नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नरेंद्र कुमार है। आज मैं ATG 12 वेराइजेशन के बारे में बात करूंगा कि ATG 12 वेराइजेशन है क्या, किसको अप्लाई करना चाहिए, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसका बेनिफिट क्या है आपको, टाइम कितना लगेगा और कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है, प्रोसीजर क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, इन सारे टॉपिक्स को हम लोग आज कवर करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि सेक्शन 12A एंड ATG है क्या। सेक्शन 12A इनकम टैक्स एक्ट में एक पर्टिकुलर सेक्शन है जिसके तहत अगर आपका NGO, आपका ट्रस्ट या आपका सोसाइटी, जो भी आप बोलते हैं उसको, अगर उसके पास सेक्शन 12A का रजिस्ट्रेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा दिया गया है, तो आपके NGO में प्राप्त की गई जितना भी डोनेशन है, अगर सरप्लस डोनेशन बचता है, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। जैसे कि आप देखते हैं कि कंपनीज में या पार्टनरशिप फॉर्म में जो भी आपका प्रॉफिट होता है उस पर टैक्स लगता है। NGO और NGO में अगर आपका सरप्लस फंड है तो उस पर कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा। ATG से क्या फ़ायदा है आपको? ATG रजिस्ट्रेशन इनकम टैक्स में जो आप करवाते हैं अपनी NGO का, तो जो डोनर है, जो आपको डोनेशन देता है, उनको इनकम टैक्स एक्ट में, उनके ITR में उनको बेनिफिट मिलती है। उनको बेनिफिट मिलती है, सपोज आपका इनकम, अगर आपके डोनर का इनकम 800,000 रुपये है, अगर वो 50,000 रुपये आपको देता है, तो 50,000 का 50% का उनको क्लेम मिलता है इनकम टैक्स। अब बात करेंगे हु कैन अप्लाई। हु आर द एलिजिबल एप्लीकेंट टू अप्लाई फॉर सेक्शन 80G 12A, मीन्स कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। इफ यू वॉन्ट टू अप्लाई फॉर 80G 12A, मीन्स यू शुड बी इधर रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी एक्ट और ट्रस्ट एक्ट और सेक्शन 8 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट। मतलब इन तीनों ही बॉडीज के साथ अगर आपने रजिस्टर्ड किया हुआ है, किसी भी एक बॉडीज के साथ, अगर आपने सेक्शन 8 में किया हुआ है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ट्रस्ट में है या सोसाइटी में है। लेकिन आपका पर्पस, जो आपका ऑब्जेक्ट ऑफ NGO है, दिस शुड बी नॉन प्रॉफिट और इसका जो बेनिफिट है ये मास लेवल पे होना चाहिए। मतलब ये किसी इंडिविजुअल के बेनिफिट्स के लिए नहीं होना चाहिए। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके ट्रस्ट के बायलॉज या सोसाइटी के बायलॉज या सेक्शन 8 कंपनी का MOA AOA में कोई भी ऐसा क्लॉज ना हो जिससे ये दिख रहा हो कि इसका बेनिफिट सिर्फ आपको मिलने वाला है। अगर ये दिखेगा तो ITO आपको इसका बेनिफिट, आपको रजिस्ट्रेशन नहीं देगा। कब अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, कौन का हमने कवर कर लिया है, सोसाइटी अगर आपका है या आपका ट्रस्ट है या आपका सेक्शन 8, अप्लाई कर सकते हैं। अभी 2020-21 के बजट में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण ने बहुत क्लियरली कहा है कि कोई भी NGO जिसने अपना रजिस्ट्रेशन, बेसिक रजिस्ट्रेशन पूरा कर लिया है, चाहे ट्रस्ट एक्ट में या सोसाइटी एक्ट में या सेक्शन 8 में, वो अप्लाई कर सकते हैं। अब सरकार ने 3 साल का प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको देगी, जैसे ही आपका अकाउंट खुल जाता है आप अप्लाई कर सकते हैं। बट टेक्निकली थोड़ा बहुत आपके पास काम का प्रूफ होना चाहिए, सोशल प्रूफ आपके पास होने चाहिए कि आपने कोई ना कोई सोशल एक्टिविटीज़ करी है, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करेंगे अप्लाई करने का प्रोसेस क्या, कैसे अप्लाई करा जाएगा। जब भी आप गूगल में सर्च कर सकते हैं इनकम टैक्स ई फाइलिंग, वहाँ पे आपकी जो फॉर्म होगी या आपका जो सोसाइटी है या आपका, अगर आपका बिजनेस चलता है, सबका एक कॉमन लॉगिन बना हुआ है। उस लॉगिन में जाके आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, आप अपने NGO को, और वहाँ पे आप जाएंगे तो ई फाइलिंग में आपको ये 10 आपको ई फाइलिंग में आपको एग्जम्पशन का फॉर्म दिखेगा। इस एग्जम्पशन फॉर्म को आप 10G फॉर्म बोलते हैं, 10G फॉर्म आप सिलेक्ट करके आप इसको फाइल कर सकते हैं। इसमें पूरी चेकलिस्ट दी गई है, अगर गूगल आप करते हैं सेक्शन 10G का फॉर्म में आपको पूरी चेकलिस्ट दी गई है। चेकलिस्ट बहुत छोटा है, बट डायरेक्टर जो आपके पास, जो आपके डायरेक्टर हैं, जो आप फाइल करना चाहते हैं, उस समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या क्या और डिटेल में हम उनको चीज़ डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। जब भी ऑनलाइन फाइलिंग के लिए हम लोग जाते हैं तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम राइट फॉर्म सेलेक्ट कर रहे हो और हमारे पास NGO का 5 साल का प्रोजेक्ट प्लान तैयार हो, क्योंकि आप जस्टिफाई कर सकते हैं इनकम टैक्स कमिश्नर को कि भाई मेरे पास प्रॉपर प्लान है, मुझे 5 साल में ये काम करना है, मैंने ये काम किया हुआ है, उसका अगर कोई आपका मीडिया प्रूफ है, आपका सोशल प्रूफ है, वो सब चाहिए होगा। अब वो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आज के टाइम पे 80G या 12A का रजिस्ट्रेशन मिलता है, जिसकी वजह से सबसे बड़ा है कि आपके पास काम का प्रूफ होना चाहिए। जब भी आपको पर्सनल रिफेयरिंग के लिए बुलाया जाए या आपका CA आपके लिए अपेयर होता है,
तो उस समय ये आपको जस्टिफाई करना पड़ता है कि आपने ये सोशल वर्क किया है। आपका फेसबुक अकाउंट होना चाहिए, आपके फेसबुक पे फॉलोअर्स होने चाहिए आपके एनजीओ का, आपका वेबसाइट होना चाहिए, यूट्यूब चैनल होने चाहिए। बेसिक रिक्वायरमेंट अगर आपके पास फुलफिल होती है, हालांकि एक्ट में नहीं लिखा हुआ है, अगर ये सारी रिक्वायरमेंट आप पूरी करते हैं तो यू विल बी अप्रूव्ड शॉर्टली। एंड देन व्हाट आर द पर्पस फॉर यू नो सेक्शन व्हाट आर द पर्पस फॉर 80G 12A इज इजली रजिस्टर्ड। Likewise, if you are operating in the area of you know child empowerment or child education, women empowerment, or या आप उसके लिए job के लिए काम करते हैं या environment के लिए या food के लिए, ये सब वो hot area है जहाँ पे अगर आप आपका object ये है, bylaws को छोड़ दीजिए, bylaws या आपका MOA AOA को छोड़ के जो आपका main focus है वो आपको justify करना पड़ेगा और वो focus आपके इस bylaws से match करना चाहिए। Time to apply, you can apply anytime, but it is advisable that at least you should have business, you should have social track of at least 3 to 6 months, then only you should apply. Now we'll talk about the benefits. Benefits kya hai iske liye? Kyun apply karna chahiye? बहुत सारी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स आती है उसमें 80G 12A की रिक्वायरमेंट नहीं होता है, बिकॉज गवर्नमेंट अगर आपको कोई भी प्रोग्राम में या आपको पार्टिसिपेट देता है बट तो आपसे वो मांगेंगे नहीं। बट एज ए एनजीओ आपके पास 12A एंड 80G होना चाहिए। 12A दोनों अलग अलग सेपरेट एप्लीकेशन है, कुछ एक स्टेट में दोनों एक साथ फाइल हो सकता है, कुछ एक स्टेट में आपको अलग अलग फाइल करना पड़ता है। मतलब पहले आपको 12A मिलेगा, उसके बाद आपको 80G मिलेगा। 12A का फ़ायदा यह है कि जैसे आपको ज़्यादा डोनेशन मिला, जो सरप्लस फंड है वो आपका टैक्स में मिलेगा। जैसे आपने 10 लाख रुपए का डोनेशन रिसीव करी, 8 लाख रुपए आपने खर्चा कर दिया पूरे साल में, 2 लाख का आपका सरप्लस है, जिसे कमर्शियल लैंग्वेज में प्रॉफिट कहते हैं। इस प्रॉफिट या सरप्लस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा आपके पास अगर 12A है तो, ये सीधा सीधा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ये बेनिफिट है 12A का। 80G आपके डोनर के लिए है, जो डोनेशन आपको देता है उसको इनकम टैक्स एक्ट में 50% क्रेडिट मिलता है। क्या गवर्नमेंट प्रोजेक्ट लेने के लिए ज़रूरत है? नहीं ज़रूरत है, बट आपको लेना चाहिए। FCRA के लिए अगर आपको फॉरेन फंडिंग चाहिए, फॉरेन अगर आप कोई ऐसा सोशल वर्क करते हैं जिसमें आपको फंड की ज़रूरत बाहर से पड़ती है या आपके पास डोनर है देने के लिए, जब आप FCRA के लिए अप्लाई करते हैं जनरली 12A 80G रिक्वायर्ड नहीं है, वो नहीं मांगते हैं, लेकिन आपके पास होना चाहिए। अगर होता है तो आपकी फाइल को पोस्टअप मिलेगा। अब आप बात करेंगे कि 80G 12A का जो आगे का प्रोसेस, अब आपको अप्रूवल मिल गया है, अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब भी आप कोई अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज को चेंजेस करते हैं या कोई आपके कंपनी में कोई चेंजेज है, अगर सेक्शन 8 कंपनी है या ट्रस्ट में ट्रस्ट चेंज हो गया, इसका इंटीमेशन आपको इनकम टैक्स को देना चाहिए। अगर आप नहीं देते हैं तो इनकम टैक्स आपको दी गई जो एग्जेम्पशन है उसको वापस ले सकती है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसका कोई मिसयूज़ ना हो, आप कोई टैक्स इवेजन का काम ना करें, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जिस पर्पज़ के लिए आपने लिया हुआ है उसी पर्पज़ के लिए इसका इस्तेमाल होना चाहिए। और जो दूसरी चीज़ें हैं कि अगर आपको कोई स्किल, जैसे गवर्नमेंट का है स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, या आप बहुत सारी चैरिटी है, बहुत सारा क्लीनिंग का प्रोसेस आता है, बहुत सारे रूरल एरियाज़ में डेवलपमेंट के काम है, इन सब काम में आप अपना प्रोजेक्ट डाल सकते हैं। अगर आप बात करेंगे, हमारे पास 3 ऑप्शन रहता है, ट्रस्ट है, सोसाइटी है, सेक्शन 8 है, तो हम लोग हमेशा रिकमेंड सेक्शन 8 को करते हैं। सेक्शन 8 हाईली रिकमेंडेबल है बिकॉज ये ऑनलाइन आप देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में रजिस्टर्ड है, डायरेक्टर चेंज होना या ये सब सारा प्रोसेस बहुत ईजी है। किसी भी प्रकार की अगर आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए 80G 12A या सोसाइटी फॉर्म करने के लिए, एनजीओ फॉर्म के लिए, आप हमें रीच कर सकते हैं www.enterslice.com या आप हमें ईमेल कर सकते हैं info@enterslice.com। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से एनजीओ के बारे में बात करेंगे कि एनजीओ की और क्या क्या प्रोसेस है, लीगलिटी क्या है और प्रोजेक्ट फंडिंग क्या है। थैंक यू, नमस्कार।